आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा बनाया है, और जिन्हों इनके पैर भी देख सकते हैं आप कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में, और इसकी गर्दन उनको कलर देने में कितनी मेहनत लगी होगी। तो जैसे आप आगे देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर जो है फ्लावर पॉट भी बना के रखा हुआ, कितना ही प्रीटी लग रहा है। और इन्होंने अब यहाँ पर क्रोसिया जो फूल भी बना के रखे हुए जो बहुत ही सुंदर देखने में लगे। तो इन्होंने क्या है टोपी पहनी हुई है, और जो ये लेडी डॉल बनी हुई है इन्होंने ढाटू पहना है। तो अभी मेरे हाथ में है कुल्लू पेयर जो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है यहाँ पे पट्टू पहना और ये चोला पहना हुआ है, और यहाँ पे इनके सर में देख सकते हैं आप तो इन्होंने क्या है टोपी पहनी हुई है, और जो ये लेडी डॉल बनी हुई है इन्होंने ढाटू पहना है। तो चलिए हम पूछते हैं कि इन्होंने ये किस चीज़ से बनाया है। मैम ये आपने किन चीज़ से बनाया? ये क्रोशिया से बनाया है। कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में? दो दिन लगते हैं बनाने में। दो दिन लगते हैं? इसके अंदर आपने क्या डाल के? फाइबर। फाइबर है। सिर्फ क्रोशिया से ही बनता है या किसी और चीज़ से? मतलब इसकी बॉडी पूरी क्रोशिया से तैयार की हुई है, और बाहर से ये स्टिचिंग करके ये चोला और ये पट्टू तैयार किया हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैम अभी भी बनाई जा रही है क्रोशिया से, तो आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में। तो मैम आपके साथ कितनी महिलाएँ और काम करती है इस पर? 9 महिलाएँ हैं, ये हमारा ग्रुप ही जैसे यही काम करता है, सब लेडीज यही काम करती है। तो मैम इसका प्राइस कितना होगा? और सबसे कम प्राइस वाली आइटम कौन सी है? ये की चेन है, 200। की चेन वाली भी प्यारा लग रहा है, की चेन भी। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर कितने ज़्यादा इन्होंने सजावट के सामान रखे हुए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बास्केट बनाई हुई है, और इस बास्केट के अंदर आप देख सकते हैं कि बैंगन बना के रखा हुआ, और ये बहुत ही प्रीटी लग रहा है देखने में। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने एक मोर भी मुनाल बनाया। हाँ जी। इसको बनाने में कितने दिन लगे? 3 दिन लगे। 3 दिन लगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा बनाया है, और जिन्हों इनके पैर भी देख सकते हैं आप कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में, और इसकी गर्दन उनको कलर देने में कितनी मेहनत लगी होगी। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक और बास्केट इन्होंने रखी हुई है। तो मैम ये आपने क्या बनाया हुआ यहाँ पे? ये पत्ता गोभी है। तो जैसे आप आगे देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर जो है फ्लावर पॉट भी बना के रखा हुआ, कितना ही प्रीटी लग रहा है। और इन्होंने अब यहाँ पर क्रोशिया जो फूल भी बना के रखे हुए जो बहुत ही सुंदर देखने में लग रहे हैं, और इन्होंने डॉल भी बना के रखी है, और डॉल के आप देख सकते हो कि इन्होंने बाल भी बना के रखे हैं, और चोटी भी बना के रखी हुई है डॉल की, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो ये स्टॉल आपको सरस मेला में देखने को मिल जाएगा, और इस रिपोर्ट को स्पॉन्सर किया है रतन ज्वेलर्स मोती बाजार मंडी।